नमस्कार, ये है गाय की पूंछ। इसमें जो लोम पाए जाते हैं, छोटे छोटे जो बाल पाए जाते हैं गाय की पूंछ में, उसके नाम पर एक जो पर्याय आया है औषध का, वो है दूर्वा, यानी जो दूब घास होती है उसका पर्याय आया हुआ है। अब वो पर्याय क्यों आया है, क्योंकि आप अगर ध्यान से देखेंगे तो जो दूर्वा यानी दूब घास होती है उसकी नोड पे, यानी जो तने की जो गांठें होती हैं उस पे भी गाय के पूंछ की तरह लोम पाए जाते हैं। देखिए आप, ये जो लोम आपको दिख रहे हैं, देखिए ये है। इस वजह से जो दूर्वा होती है यानी दूब घास होती है उसको गोलोमी पर्याय दिया गया है। धन्यवाद।